बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासमार्गे चैनल पे आप सबको खुशामदीद। आज हमारे एक नई वीडियो के साथ आज हमने बनानी है लैम शंक्स। वो भी मैं अपने स्टाइल में बनाऊंगा और उनके अंदर रखनी है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनती है, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि लैम शंक्स को ओवन के अंदर मसाले लगा के किस तरह रखा जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये मेरे पास लैम शंक्स है, तो इनको मैं कर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। मैं फोक ले लिया है, लिया मैंने, तो इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ, सुराख कर लेता हूँ मीट के अंदर। बिल्कुल फ्रेश मीट है ये। ये लीजिए, इस तरह होल कर लेने हैं आपने सभी के अंदर। ये हो गए होल हमारे। तो ये होल हमने इसलिए किए हैं ताकि जो हमारे पास जो मसाला होगा सारा इनके अंदर अच्छी तरह चला जाए और ये बहुत अच्छी तरह से कुक भी होंगी ये। तो ये मैं इसके अंदर डाल रहा हूं ग्रीन जो है हमारी चीजें, ये ग्रीन वेजिटेबल्स हैं हमारे पास। ये मेरे पास चिली है, ये मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर सेंटर में से ये दो करके। ये देखिए, ये मेरे पास है शिमला मिर्च, ये डाल देते हैं इसके अंदर। इसके बीन पीस जो है सारे निकाल लिए। सब्जियां हमने बड़ी बड़ी डालनी है क्योंकि मीट को पकने में टाइम लगेगा, तो ऐसा ना हो कि ये सब्जियां आपके पहले पक जाए और मीट जो है आपका अभी कच्चा ही रहे। ये हमने थोड़ा सा और डाल देते हैं एक हाथ। ये लीजिए टमाटर डाल देते हैं हम। टमाटर को हमने दरमियान में से काट लेना है बिल्कुल ऐसे ही। ऑनियन हमने इसके अंदर डाल देना है। ऑनियन मैंने काटा हुआ है, ये इसके अंदर इस तरह डाल देते हैं। थोड़ा रेड ऑनियन है, आलू काट लेंगे एक, ये भी हमने डालना है। ये थोड़ा हमने बड़ा काटना है, इतना काट लेंगे, ये छोटा नहीं रखना। इसको भी दो ही कर लेते हैं दरमियान में से, इसको भी। ये लीजिए, ये मेरे पास पड़े हुए हैं गार्लिक है, ये डाल दीजिए 5-6। और ये साथ जिंजर है, ये डाल देते हैं थोड़े छोटे करके पीस ताकि इसका ये असर हर तरफ चला जाए। अब हमने इसके अंदर डालने हैं स्पाइस। नमक डाल देंगे, नमक मैंने डालना है इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून डालना है। जीरा डाल देना है हमने इसके अंदर। जीरा भी हमने इसके अंदर डाला है 1 टेबलस्पून। हल्दी डालेंगे इसके अंदर हम, ये भी 1.5 टेबलस्पून डालनी है इसके अंदर। गरम मसाला ये डाल दीजिए 1 टेबलस्पून। क्रश चिल्ली थोड़ी सी डाल लेंगे हम इसके अंदर, ये भी 1 टेबलस्पून आप डाल दीजिए।
मस्टर्ड पाउडर है ये डाल दीजिए, खसबे जरूर डालिए आप, रेड चिली पाउडर हमने इसके अंदर डालना है, ये भी हमने इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून डालना है, तंदूरी पाउडर डाल लेंगे थोड़ा सा, ये भी 1.5 टेबल स्पून डाला है मैंने, ये बे लीव्स हैं ये भी डाल दीजिए। ये चीजें स्पाइस के डाल रहे हैं ताकि ये जो लैम की स्मेल जो है वो बिल्कुल भी नहीं आती, बिल्कुल ये इसका जायका बड़ा अच्छा होता है। ये सब्ज इलायची है मोटी वाली, ये मैंने डाल दी इसके अंदर 3 अदद, कोरिएंडर हमने इसके अंदर डालना है, सीड्स ये भी 1 टेबल स्पून, फ्रेश कोरिएंडर ये भी डाल दीजिए, कोरिएंडर पाउडर भी ये 1 टेबल स्पून हमने कोरिएंडर पाउडर डाल दिया इसके अंदर, गार्लिक पाउडर है मेरे पास ड्राई वाला है ये हमने डालना है इसके अंदर, ये देख सकते हैं गार्लिक पाउडर ये डाल दीजिए, ये मैंने डाला इसके अंदर 1 टेबल स्पून डाला है मैंने, और साथ हमने आप डाल देना है ऑयल, ऑयल हमने इसके अंदर डालना है तकरीबन, आधा कप डालना है ऑयल, और ये सारी चीजें हमने अब मिक्स करनी है, इसको मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से, एक चीज हमने और डालनी है इसके अंदर मैं भूल गया हूं, थोड़ा सा हमने इसके अंदर डालना है लेमन जूस, लेमन जूस हमने ये डाल दिया इसके अंदर, और साथ हमने योगर्ट भी थोड़ा ऐड करना है, योगर्ट हमने इसके अंदर डालना है तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के डालने हैं हमने, और थोड़ा सा हमने इसके अंदर मीट टेंडर भी डालना है, मीट टेंडर ये अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालिए, आपकी अपनी मर्जी है, अगर आपके पास पपीता है तो आप पपीता डाल लीजिए, नहीं तो मीट टेंडराइजर डाल दीजिए। तो अभी ये सारा कुछ कर लेते हैं हम, मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से ये हमने इसको कर लिया है, मिक्स हो गया है, तो दिखा लेते हैं थोड़ा सा, तो हमने इसको अभी लगानी है फॉइल लगानी है, और इसको हमने तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखना है, और उसके बाद हम इसको रख देंगे ओवन के अंदर रख देंगे, ये देखिए बिल्कुल इतना लगी है फॉइल हमारी, बिल्कुल इसको हमने पैक कर दिया है, ये रखेगी फ्रीजर के अंदर, आप चाहे तो इसको पूरी रात फ्रीजर के अंदर रखें, तो चाहे तो 2-3 घंटों के लिए रखें, तो ये मैंने इसको फ्रिज के अंदर रखना है, ये फॉइल हमने इस पर लगा लिया बिल्कुल सील हो गई है, अब हमने इसको फ्रिज के अंदर रखना है,
और मेरे पास एग्जैक्टली सेम इस तरह का बरदूसा बना हुआ है, तो ये हम फ्रिज के अंदर रख लेंगे और दूसरा हम निकाल के रख लेंगे ओवन के अंदर। तो ये हमने ओवन के अंदर आग लगा लेनी है। तो ये हमारे पास जो दूसरी है ये मैं रख लेता हूँ। तो इसको मैंने ओवन के अंदर रख दिया है, तो इसको कर लेते हैं बंद। तो ये तकरीबन 1.5-2 घंटा लगाएगा पकने में, तो मिलते हैं हम थोड़ी देर तक जब तक ये रेडी होता है। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपको जब तक ये रेडी होता है। ये अभी हमने ओवन से निकाला है, तो अभी हम इसको आराम से ये साइडों से उतारते हैं। बहुत ही हॉट है, ये देखिए कितना ज़बरदस्त बन गया, मीट बिल्कुल ज़बरदस्त कल गया। ये देखिए ज़बरदस्त, बहुत अच्छे से ये टेंडर हो गया है माशाल्लाह। तो ये थी हमारी आज की वीडियो लैम चंक्स, वो भी मेरे स्टाइल में बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मीट टेंडर हुआ है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हुआ है, बिल्कुल अलग अलग ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, प्यारी सी वीडियो के साथ। दुआ में रखिएगा याद, अल्लाह ने के बाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये लाल सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। शुक्रिया। हमारी वेबसाइट यासर मालिक www.yasarmalik.com सर्च कीजिए और वहाँ पे आप मज़ीद वीडियो देख सकते हैं। शुक्रिया।